वन कलर तैयबा चूज करेगी, वन कलर मोहम्मद हसन, एक एक कलर चूज कर लें। मोहम्मद येलो कलर और तैयबा आपका कौन सा है? पिंक। ठीक है, वेट शो मी। और मोहम्मद आपका कौन सा कलर है? येलो। तैयबा मोहम्मद हसन जो है ये अपने लाए हैं मनी से अवर गुल्लक और ये इनको पेंट करना चाहते हैं, तो इन्होंने अपने अपने कलर्स ले लिए। चलो अब पेंट करेंगे ये। आज विंटर वेकेशन का फर्स्ट डे है और तैयबा मोहम्मद की जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तैयबा ने पिंक कलर चूज किया है अपनी मर्जी से इस बॉक्स में से, और मोहम्मद ने येलो कलर चूज किया। चलें दोनों कुछ देर इस एक्टिविटी में बिजी रहेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सा वेकेशन का काम है थोड़ा सा इन्हें पढ़ाऊंगी, बट इनका अच्छा खासा टाइम जो है ना इस एक्टिविटी में गुजर जाएगा। मोहम्मद आर यू हैप्पी? तैयबा आर यू हैप्पी? चले की हालत देखी उन्होंने क्या किया, इसलिए मैंने इनको ना सफाई से पहले ही ये काम दे दिया था ताकि ये कर लें और फिर मैं उसके बाद सफाई करूं। तैयबा का यहाँ ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मोहम्मद अभी कर रहे हैं। सारे घर के काम खत्म किए हैं और बच्चों को यहाँ बिठा दिया। तैयबा रोज एक पेज इंग्लिश एक पेज उर्दू की जो है वो राइटिंग करेगी, अभी अपना टाइटल पेज बना रही है, देन ये राइटिंग स्टार्ट करेंगे। और जो है वो सीजर बना रहे हैं। मोहम्मद आप वेरी गुड। जब तक ये दोनों काम करते हैं मैं यहाँ बैठ कर अपने कुछ कपड़े फोल्ड करती हूँ, कपड़े में लेकर आ जाती हूँ। देन वेरी नाइस, पूरा टाइटल बनाओ। ये सारे कपड़े जो हैं जो मैं अभी साथ साथ फोल्ड कर लेती हूँ इनके पास ही बैठ कर। यहाँ कपड़े यहाँ सारे फोल्ड हो चुके हैं और ये देखिए तैयबा का टाइटल अभी तक बन ही रहा। ऊपर रखें ना उसको, हाँ इस तरह और ऊपर करें। इस तरीके से तैयबा जो है वो अपना टाइटल बनाने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद हसन भी बस लगे पड़े हैं। चलें इन कपड़ों को रखते हैं जगह पर। बहुत ही अच्छी धूप जो है वो निकल आई है, तो मैंने यहाँ कुछ बच्चे कुछ फ्रूट्स थे मेरे पास, थोड़े से बनाना थे, सिर्फ एक ही ऑरेंज रह गया था और इसमें है अमरूद, तीनों को मैंने कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, और ऊपर जो ऑरेंजेस के साथ वो देते हैं ना नमक वो ऐड करके अब इसको मिक्स करके मैं और बच्चे जो है इसी धूप पर बैठ कर इसको इन्जॉय करते हैं। गॉड की धूप निकल गई, बहुत सुकून मिल रहा है बॉडी को। चलें इसे मिक्स करके और फिर इन्जॉय करते हैं फ्रूट चाट टाइप, ये कुछ बन चुका है। मोहम्मद हसन और तैयबा यहाँ बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, तो मैंने इन्हें आज फर्स्ट 20 रुपीज़ दे दिए, अब ये इसे सेव कर रहे हैं। देखते हैं कब तक ये बेचारे जो है ना वो सेव होकर रहते हैं इसके अंदर। ये जब पूरा फिल मोहम्मद फर्स्ट फोल्ड इट, जब ये पूरा फिल हो जाएगा तब हम इन्हें तोड़ेंगे, तब भी मुझे लगता है फिल होने से पहले ही टूट जाएगा। तैयबा तो क्या पता फिर भी सेव कर ले, लेकिन मोहम्मद हसन का बड़ा मुश्किल है। इस
ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करना है हमें। धूप बहुत अच्छी आ रही है ना तेरी बाप? बहुत। और अभी हमने फ्रूट चाट खाया है तो फिर इसलिए हमने खाया है क्योंकि आज मम्मा ने पहली बार बनाया है, क्योंकि आज हमारी वेकेशन भी है, आज फर्स्ट छुट्टी है और फिर तो आज मैं बीमार भी हूँ, कल से मुझे कितना छोटा करना बताना, सिर्फ छोटा करके बताना, डाल के नहीं देना। अरे यार इस पर आज की डेट भी मेंशन कर दो। नहीं नहीं, यहाँ से डरता है। मोहम्मद जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी मनी को सेव करने के लिए। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। अंदर जा रहे हैं। हां, सही हो रहे, सही हो रहे, सही हो रहे, सही हो रहे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे टेयर हो जाएंगे। एक मिनट, स्लोली स्लोली जाते हैं ना, स्लोली स्लोली। ये ठीक है, आज डेट है 22 दिसंबर और देखते हैं कब तक इनकी जिंदगी है, ठीक है, और फिर आप लोग कितनी सेव करते हैं। तो फिर जब हम तोड़ेंगे ना तब आपको दिखाएंगे। ऐसा एक गुल्लक मेरे पास भी है, मैं भी उसी में ही मनी सेव करती हूँ। मेरा भी एक टास्क है तकरीबन 1 ईयर का, 1 ईयर के बाद में उसे जो है वो तोड़ूंगी तो फिर देखूंगी कितने पैसे उसमें जमा हुए हैं। और मुझे देख देख के इन दोनों को भी शौक आ रहा था, तो चलें, इट्स गुड, नॉट अ बैड आइडिया। अब जो है नहीं मोहम्मद, ये पेंट सही है बस। 700 व्यूअर्स यहाँ पे। सिंपल जो है वो मैं आलू की मैं बना रही हूँ, मटर भी है मेरे पास बट मैं ऐड नहीं कर रही, थोड़ा सी ही सालन बनाना चाह रही हूँ मैं। इतना सही कीमे का पैकेट है एंड इसमें कुछ ये आलू ऐड करके बस ये आलू की मैं बना रही हूँ आज डिनर के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड कर लेंगे कटा हुआ प्याज और इसको थोड़ा सा पिंक सा कर देते हैं, बिल्कुल तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा पिंकिश शेड डाल देंगे। इन्हें हरी मिर्ची में मैंने स्लिट लगा दी है और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे साथ में। जब तक यहाँ प्याज रेडी हो रहा है मैंने ये टमाटर काट लिए हैं यहाँ पर, और इस दफ़ा ये आलू इतने अच्छे आए हुए हैं कि इनको अच्छी तरह वॉश करने से देखिए इनका सारा छिलका उतर गया और बिल्कुल मीठे नहीं होते, बहुत मज़ेदार आलू। टमाटर काट चुके हैं, थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर ऐड करते हैं। लहसुन अदरक भी ऐड करके थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने टमाटर। सम टाइम इस स्टेज पर पहले कीमा ऐड करके उसको फ्राई कर लेती हूँ, उस तरह भी अच्छा लगता है, बट सम टाइम में जो है सारा मसाला रेडी करके फिर कीमा ऐड करती हूँ तो उस तरह भी जो है अच्छा लगता है। सारा मसाला, नमक और हल्दी भी ऐड करके थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ और उनका फिर सिमर बन जाए। कीमा मैंने ऐड कर लिया है, थोड़ा सा ये अभी भी जमा हुआ है तो इसे बिल्कुल सेंटर में रख के मसाला सारा साइड पे कर दिया है और थोड़ी देर दम पे रख दूँगी और उसके बाद करेंगे हम इसकी भुनाई। रेडी हो रहा है कीमा और यहाँ बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। तो बस सिंपली इसमें जो है मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड करके और थोड़े से ही पॉपकॉर्न डाल दूँगी, थोड़े से पॉपकॉर्न ही ऐड करूँगी फिर तकरीबन एक मिनट से और फिर इनको सर्व कर दूँगी। थोड़ा सा नमक डालती हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ऑयल अभी सही तरह गर्म नहीं हुआ, ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छी तरह, पैन को गर्म होने देंगे। बस अब कवर कर देंगे, अभी थोड़ी देर में यहाँ से आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें पकना स्टार्ट हो गया,
आई थिंक रेडी हो गए, सब चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए मजेदार से पॉपकॉर्न हो चुके हैं रेडी। चलें ये बच्चों को दे देते हैं। यहाँ की मैंने अपना ही सारा पानी छोड़ दिया है, थोड़े इसमें आलू ऐड करके थोड़े तेज आंच पर पका के पानी को खुश करके इसको फ्राई करेंगे, अपने दम पे रख देंगे। और साथ ही साथ जो है ड्राई मेथी ज़रूर ऐड करना है। एंड मज़े का ये कीमा रेडी हो गया ना, काश कि मैं आप लोगों को टेस्ट करवा सकती। मटर मैंने लास्ट में बिल्कुल थोड़े से डाल दिए हैं कलर के लिए, बस मैं ऊपर से अब इसको हरी मिर्ची एंड अदरक के जूलियन कटिंग करके उसे गार्निश कर दूँगी। ये मैंने निकाल दी थी, मैंने अगर खाने में मिक्स हो गई तो बच्चे फिर खाना जो है ना नहीं खाएंगे। बस अब ऊपर से मैं इसे अदरक डाल दूँगी, बहुत यम्मी बना है। फ्लैम को अब मैं कर दूंगी ऑफ क्योंकि डिनर हो चुका है रेडी। 5 बज चुके हैं, डिनर हो चुका है रेडी और बस ट्यूशन के बच्चे अब आते ही होंगे। और वेदर देखें, आसमान आज कितना क्लियर है और मॉर्निंग में इस पर इतने रंग बिखरे होते हैं और वही शाम में भी यही होता है। सनराइज और सनसेट बहुत खूबसूरत है आजकल का। देखिए सनसेट कितना खूबसूरत हो रहा है। ये हमारा पिजन जो है ना ये रास्ते में आ रहा है, ये देखिए प्यारा लगता है ना ये। चलिए जनाब इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।